हेयर फॉल का मसला हम सब का मसला है और जब ये मसला हमें पेश आता है तो हम इतने अपसेट हो जाते हैं जिसके नतीजे में स्ट्रेस लेवल हाई होता है और मज़ीद हेयर फॉल होता है। तो आपने क्या करना है कि आपका हेयर फॉल का मसला घर बैठे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए और आप इस मसले से बाहर आ जाए। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर हुमा सलीम। एक तो ये कि फाइंड आउट करें कि ये आपको हेयर फॉल शुरू क्यों हुआ है। आमतौर पे कोई एक रीज़न होती है, हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, हम आयरन डेफिशिएंट होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, या हम कोई ऐसा केमिकल अपने स्किन बालों पे अप्लाई करते हैं जैसे कि हमने बालों को ब्लीच कराया है, डाई कराया है, कोई ऐसी चीज़ हमने एजेंट अप्लाई की है जिससे हमारे बालों का टेक्स्चर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसको आइडेंटिफाई करें आप। और नंबर टू पे ये कि जो भी आप शैम्पू इस्तेमाल करें, कोशिश करें वो सल्फेट फ्री हो, मेडिकेटेड हो, आपके बालों को रिपेयर करे, आपके बालों के आपके स्कैल्प की जो टेक्स्चर है उसके लिए सूटेबल हो। हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार शैम्पू करें। डेली बेसिस पे शैम्पू करना बालों के लिए अच्छा नहीं है। और जब भी शैम्पू करें तो सिर्फ स्कैल्प को रब करें, अपने बालों को बहुत ज़्यादा रब ना करें। इससे एक तो टैंगल्स भी बढ़ जाएंगे और बाल बीच में से टूट भी सकते हैं। नंबर 3 पे ये है कि आप ज़रूर नहाने के फौरन बाद गीले बालों के ऊपर ही कोई लीव ऑन सीरम या कोई ऑयल ज़रूर अप्लाई करें, और जब तक बाल कम्प्लीटली ड्राई ना हो उनको आप डिटैंगल करने की, कॉम करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गीले बाल ज़्यादा ब्रिटल होते हैं, ईजिली टूट सकते हैं। नंबर 4 पे ये है कि अगर आप हेयर डाइस को अवॉइड कर सकते हैं तो उनको अवॉइड करें। अगर अवॉइड करना मुमकिन नहीं है तो जितनी दफ़ा भी आप इस्तेमाल करते हैं उससे थोड़ा कम करने की कोशिश करें। अगर आप हर 2 हफ्ते बाद लगा रहे हैं हेयर डाई तो कोशिश करें कि आप बालों की पार्टिंग चेंज करते रहें या थोड़ा सा उसको कैमोफ्लाज कर लें किसी पिगमेंट से, कलर से, और डाई ना करें। 3 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद डाई करें और सिर्फ रूट्स को टच करें, सारे बालों को डाई ना करें। और अगर आप डाई लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि वो सैलून से करवाएं, अमोनिया बेस्ड डाइज ना हो, सेफ़ डाइज हो जो हमारे बालों के टेक्सचर को हार्मफुली इफ़ेक्ट ना करें। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। उसके अलावा ये कि जब कभी आप बालों को टॉवल ड्राई करें उस वक्त भी बालों को सिर्फ ब्लॉट करें, मतलब ऐसे प्रेस करके उनको ड्राई करें, उनको रब ना करें। इससे भी आपके बाल बीच में से डैमेज होते हैं और टूटते हैं। नंबर 5 पे आ जाता है जी ट्रैक्शन एलोपेशिया, यानी कि हम बालों को बहुत खींच के पोनीटेल में बांधते हैं, उससे हमारे बाल आगे से टूटना शुरू हो जाते हैं, हमारी हेयर लाइन पीछे जाना शुरू हो जाती है। तो अपने हेयर स्टाइल्स को चेंज करते रहें और हेयर जेल्स का इस्तेमाल कम करें, हेयर स्प्रेस का इस्तेमाल भी बहुत कम करें। उसके बाद जी कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी डाइट में अगर हों तो वो बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, अदरवाइज हम उनको सप्लीमेंट से पूरा करने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर है जिंक, सिलेनियम, बायोटिन, विटामिन डी और आयरन। अगर इनमें से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो डेफिनेटली उसको पूरा करने से बालों की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो अननेसेसरी सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेने से कोई ख़ास फ़ायदा हासिल नहीं होगा, इसलिए हमेशा इन्वेस्टिगेट करने के बाद सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहिए। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में सब्जियों में से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, गाजरों का, टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और फ्रूट्स के अंदर सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि हमारे पास ऑरेंजेस हैं, लेमन है और पपाया फ्रूट है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और मिल्क प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, और ड्राई फ्रूट्स के अंदर अखरोट और बादाम बहुत इफ़ेक्टिव हैं हेयर हेल्थ के लिए। आई होप बहुत सारी टिप्स मिल गई होंगी आपको आज की वीडियो से। अगर आप इनको घर बैठे अपनी रूटीन में शामिल करें तो काफ़ी हद तक आपके हेयर फॉल का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अपनी लाइफस्टाइल से शुगर और स्ट्रेस को कम करें, स्मोकिंग को भी कम करें और अपनी नींद को 8 घंटे पूरा करें, एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं। ये वो टिप्स हैं जो हमारी हेल्थ को, स्किन को, बालों को ओवरऑल इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।